पुरुषोत्तम मास अधिक मास में क्या दान करें? भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में क्या दान करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन की अलग अलग वस्तुएं हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताई गई है। पुरुषोत्तम मास में दान करने का करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक मास पुरुषोत्तम मास में अपनी श्रद्धा भक्ति और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करे। क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परिस्थिति के अनुसार इस पुरुषोत्तम माह में कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करे। पुरुषोत्तम माह कोई साधारण महीना नहीं है, यह साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। और इस महीने आप सुबह जल्दी उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तारों को जल देवे तथा अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथाओं का श्रवण करें। प्रत्येक दिन एक एक अध्याय की कथा का इसमें श्रवण करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। दीप दान का अर्थ होता है दीपक लगाना या दीपक जलाना। सबसे पहला दीप दान अपने घर के पूजा स्थल पर करना चाहिए। दूसरा दीप दान अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ आपको करना चाहिए। और तीसरा दीप दान तुलसी माता के समीप या तुलसी चोरे तुलसी क्यारे के पास करना चाहिए और उसके बाद गौशाला में दीप दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के पास में दीप दान करना चाहिए, आंवले के पेड़ के पास दीप दान करना चाहिए और खुले आकाश में आकाश दीप दान आपको करना चाहिए। इसके अलावा देवालय में शिवालय में भी आप दीप दान कर सकते हैं। दीप दान करने का पुरुषोत्तम मास में बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप अपने जीवन का अंधकार समाप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, तो आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास में दीप दान जरूर करना चाहिए। और अधिक मास में ब्राह्मण भोजन करवाने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा अलग अलग दिन की, अलग अलग तिथियों की अलग अलग वस्तुएं धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई हुई है। जैसे प्रतिपदा के दिन 33 मालपुआ का दान करना चाहिए। द्वितीय तिथि के दिन आपको खीर से भरा पात्र दान करना चाहिए। वहीं तृतीय तिथि के दिन दही का दान करना चाहिए और चतुर्थी तिथि के दिन सूती कपड़े दान करना है। पंचमी तिथि के दिन रेशमी कपड़े दान करना है। वहीं षष्ठी तिथि के दिन ऊनी कपड़े दान करना है। सप्तमी तिथि के दिन शुद्ध घी का दान करें। अष्टमी तिथि के दिन तिल और गुड़ का दान करें। नवमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन करवाए। दशमी तिथि के दिन चावल का दान करें। एकादशी के दिन आपको दूध का दान करना चाहिए तथा द्वादशी के दिन गेहूं का दान करना चाहिए और त्रयोदशी के दिन कच्ची खिचड़ी का दान करें। चतुर्दशी के दिन शकर व शहद का दान करें और पूर्णिमा तिथि को आप तांबे के बर्तन का दान करें या चांदी के नंदीगण का दान करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की जो सामग्री है वो इस प्रकार रहेगी, यानी प्रतिपदा तिथि 2 अगस्त को घी से भरा चांदी का दीपक दान करें और द्वितीय तिथि यानी 3 अगस्त को कांसे के बर्तन का या सोने का दान करें। तृतीय तिथि 4 अगस्त को कच्चे चने या चूना जो खाने का होता है या फिर चने की दाल का दान करें। चतुर्थी तिथि 5 अगस्त को खारक जिन्हें छुआरा कहा जाता है उनका दान करें। पंचमी तिथि यानी 6 अगस्त को गुड़ और तुअर की दाल का दान करें। षष्ठी तिथि यानी 7 अगस्त को लाल चंदन कत्था या अष्टगंध का दान करें। सप्तमी तिथि यानी 8 अगस्त को कपूर या केवड़े की अगरबत्ती या इत्र का दान करें।
अष्टमी तिथि को यानी 9 अगस्त को केसर, इलायची या फिर मीठे रंग का दान करें। नवमी तिथि यानी 10 अगस्त को कस्तूरी, जावित्री का दान करें। दशमी तिथि यानी 11 अगस्त को गोरोचन या फिर लौंग का दान करें। एकादशी तिथि यानी 12 अगस्त को शंख और डंडी वाले पान का दान करें। द्वादशी तिथि यानी 13 अगस्त को गरुड़ घंटी जो पूजा के उपयोग में आती है वह दान करें। 13 यानी त्रयोदशी के दिन 14 अगस्त को मोती या मोती का हार दान करें। वहीं चतुर्दशी तिथि को यानी 15 अगस्त को हीरा या पन्ना नक का दान करें। और इसी तरह 16 अगस्त यानी अमावस्या तिथि के दिन माणिक्य रत्न का दान करें या फिर कोई और वस्तु का भी आप दान कर सकते हैं। यदि आप प्रत्येक दिन अलग अलग वस्तुओं का दान किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो एक साथ अधिक मास के समापन होने पर आप इन वस्तुओं का दान करेंगे तो भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। और आप यदि इन सब वस्तुओं को दान करने में समर्थवान नहीं हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप देवन्न यानी चावल का भी यदि दान कर देंगे तो भी आपको संपूर्ण वस्तु दान करने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि चावल को देव अन्न कहा गया है और कहा गया है कि सर्वे अभावान अक्षतान समर्पयामि। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब हम पूजन कार्य करते हैं, कोई भी देवी देवता का अर्चन करते हैं, ऐसे समय यदि हमारे पास सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं है या कोई और वस्तु की कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए चावल चढ़ाने का विधान है। अक्षत चढ़ाने से उस वस्तु की पूर्ति हो जाती है। तो इसी प्रमाण को लेकर के यदि अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आप सभी वस्तुओं के दान पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक अंजलि यानी अपने हाथ को मिलाते हुए जो एक अंजलि तैयार होती है उस एक अंजलि में लगभग 250 ग्राम चावल आते हैं। ये चावल भर करके आपको किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में या देवालय में या किसी भी साधु संत को या धार्मिक व्यक्ति को दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूरे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास की समस्त वस्तुओं को दान करने का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। और अधिक मास में यदि कोई मनुष्य पूरा महीना स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन नहीं कर पाता है तो ऐसे में अधिक मास के अंतिम जो 5 दिन रहेंगे उन 5 दिनों में भी अधिक मास के नियमों का यदि वो पूरा पालन कर लेंगे तो उनको संपूर्ण अधिक मास का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह अधिक मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं या कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, मालपुआ का दान करना चाहते हैं, गोदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, भूमि दान करना चाहते हैं या गो सेवा के निमित्त कुछ धनराशि आप प्रदान करना चाहते हैं या पुरुषोत्तम माह के निमित्त कुछ भी धनराशि आप हमें प्रदान करना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि हमारे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पुरुषोत्तम माह अधिक मास का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।